अरे कौन है भाई? क्या हुआ? कैसी आवाज थी ये? इतना डर क्यों गई? शैंपेन को पॉप किया था। ओ। हमारे हनीमून की पहली रात के जश्न की शुरुआत जो करनी थी। चीयर्स। रात के 1:30 बजे इस टाइम कौन होगा? ये वॉचमैन तो नहीं है। वॉचमैन? इसका तो मैं सर फोड़ दूंगा। विशाल, विशाल सुनो तो, विशाल, 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 अगर वॉचमैन नहीं हुआ, कोई और हुआ तो? कोई और? देख, तुम घबराओ मत, कोई भी हुआ तो मैं देख लूंगा। रुको। राणा साहब हैं क्या? कौन राणा साहब? कोई राणा साहब नहीं यहाँ पे, तुम गलत बंगले में आए हो। चलो निकलो। कमाल है यार, मतलब मजाक बना के रखा हुआ है, कोई भी इतनी रात को चला आएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग पुलिस को फोन करते। विशाल ये कैसे हो सकता है? मेरा फोन तो डेड है। मेरा मेरे फोन में नेटवर्क तो ऑफ नहीं चाहिए। विशाल अब क्या होगा? विशाल मुझे बहुत डर लग रहा है। विशाल तुम डरो मत, मैं हूँ। विशाल कौन है? ये लोग क्या चाहते हैं? विशाल नहीं 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 मुझे देखना होगा। तू रुको। क्या करेंगे? हाँ उस दरवाजे से चलते, चलते हो। विशाल ये तो चारों तरफ से, अब हम क्या करेंगे? तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं खुद। चलो कोई भी इशारे मत करना। मैंने मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, वो आती होगी यहाँ पे। अच्छा पुलिस को बुलाया तूने? रुक रुक, अभी तुझे बताते हैं। चलिए चलिए चलो जल्दी।
चल दे। पूरा घर छान मारो। सर ये तो जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर सर जल्दी जाइए। सर ये कंबल देखिए, इसके ऊपर खून लगा हुआ है, लगता है सिक्योरिटी गार्ड का है। बॉडी? सर पूरा एरिया छान मारा लेकिन बॉडी कहीं नहीं। लगता है खून यहाँ हुआ है। फिर डेड बॉडी कहाँ है? प्रमोद। सर इधर से ही वो लोग अंदर गए थे। सर जल्दी जल्दी कमरे में। सर इस तरफ। सर कमरे में एक और लाश मिली है वॉचमैन की। सर अविनाश पूरे 10 दिन हो गए हैं शालीमार फार्म हाउस मर्डर केस को लेके, क्या नतीजा है? दरअसल नतीजे पे पहुंच गया हूं लेकिन इस नतीजे ने एक और भयंकर सवाल खड़ा कर दिया। ये पहेलियां बुझाना बंद करो, सीधे सीधे बोलो। सर सर सब कुछ रेडी है। आपको हमारे साथ आना होगा। सर सॉरी सर, इस रूम में आपको बुलाना पड़ा। पुलिस स्टेशन में कॉन्फ्रेंस रूम तो है नहीं। कहो क्या दिखाना चाहते हो? ये देखिए सर, ये विशाल कुमार और बिंदिया मिश्रा हैं, इनकी अरेंज मैरिज थी। विशाल कुमार एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा है, हाई राइज कंस्ट्रक्शन कंपनी इनकी कंपनी है जो बहुत बड़ी और चर्चित कंपनी। और ये बिंदिया मिश्रा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेटी है, मिश्रा एसोसिएट्स शहर की प्रमुख कंपनियों के ऑडिटर। ये इनकी शादी का वीडियो है। सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, नॉर्मल है। शादी की रात ये भोपाल के एक 5-स्टार होटल में रुके थे। और ये अगला वीडियो है सर। ये देखिए सर, अगली सुबह दोनों खुशी खुशी ब्रेकफास्ट के लिए साथ में गए।
कॉफी हाउस में बैठे और कुछ देर बाद विशाल ने बिंदिया के कान में कुछ कहा और कॉफी हाउस से बाहर चला गया। ये देखिए सर, ये होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज। ये जिस आदमी से मिल रहा है इसका नाम इकबाल है, पेशे से बुकी है। हमें शक हुआ सर कि एक इतने फेमस बिल्डर का बेटा एक मुजरिम से क्यों मिल रहा है, साथ में एक ही ऑटो में सफर कर रहा है। इसलिए हमने इकबाल को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। ये रहा उसका बयान। 22 नवंबर को तुम विशाल से मिलने क्यों आए थे? पेशे से मैं एक बुकी हूँ, प्यासा कुएं के पास क्यों आता है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी औकात हजारों की है। विशाल चाहे तो लाखों करोड़ों बेट लगा सकता है, लेकिन उसने आज तक कोई बेट लगाया नहीं। और हमें पूरी खबर है कि तुमने भी कोई हाई वैल्यू बेट नहीं लगाई मार्केट में। सर अगर आपको मेरा कहना सच नहीं लग रहा है तो लाइए आपके डंडे, रस्सी, टायर वगैरह और थोड़ा लिए मुझे। लेकिन मेरा बयान यही होगा सर, मैं सच कह रहा हूँ। हमने रिक्शे वाले को ट्रेस किया सर, उसने बयान दिया है कि 22 नवंबर की सुबह उसने विशाल और इकबाल को फिटवॉक जिम के सामने छोड़ा है। हमने फिटवॉक जिम की सीसीटीवी फुटेज मंगाई। ये देखिए सर, इकबाल ने विशाल को एक आदमी से इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम सुरेंदर है, जो उस जिम में इंस्ट्रक्टर है। और क्या बात हुई सुरेंदर से? सर हमने सुरेंदर को उठवाया और थोड़ी खातिरदारी की, फिर उसका बयान लिया सर। ये देखिए, 22 नवंबर को इकबाल ने मुझे विशाल से मिलाया था। विशाल ने मुझे 20 लाख का ऑफर दिया था सर, अपनी बीवी को मारने के लिए। 1 लाख एडवांस, 19 लाख काम हो जाने के बाद। मेरे लिए बड़ी रकम थी सर, मैंने फौरन हाँ कर दिया। और 22 नवंबर की रात को तुम अपने साथियों के साथ उस बंगले में पहुंच गए? नहीं सर, मैंने उस रात अपना इरादा बदल दिया था। ऐसे ही एक केस में सर मैं 12 साल जेल काट चुका हूँ। सर मैंने 2 नंबर का धंधा छोड़ दिया है, मैं जिम में ट्रेनर का काम करके इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ। और इसलिए तुमने इस गेम को करने से मना कर दिया? नहीं सर, मैंने मेरे पहचान के असलम भाई को ये सुपारी ट्रांसफर कर दी थी 1 लाख कमीशन की खातिर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इस मर्डर से कोई डायरेक्ट ताल्लुक है ही नहीं। बस सर, अब तक की तहकीकात में इतना ही पता चला है। ओके गुड। अविनाश मेरी ये समझ में नहीं आया कि किलर्स ने विशाल को मारा क्यों? क्योंकि विशाल मारा गया तो कॉन्ट्रैक्ट की 19 लाख रुपए देगा कौन? समझ में नहीं आ रहा। हम भी ऐसे ही सवालों के चक्रव्यूह में घूम रहे हैं सर। चल छोड़ो, ये बताओ ये असलम का क्या हुआ? असलम मर्डर के दिन से लापता है, हम उसके घर गए थे। उससे निकाह करके बहुत पछता रही हूँ साहब, उसकी हरकतों की वजह से ना वो मुझे चैन से जीने देता है और ना ही तलाक देता है। कहाँ है वो, सच सच बोलो। इस बात की खुशी है साहब कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने उसे 10 दिन से नहीं देखा। ठीक है, उसकी कोई खबर मिले तो इन्फॉर्म कीजिए। जी। हमारे खबरियों के नेटवर्क से अभी कुछ पता नहीं चला सर। और ये बिंदिया से कुछ पूछताछ की तुमने? बिंदिया अभी रिकवरी में है सर, 2 दिन पहले ही कोमा से बाहर आई है सर। परिवार वाले बात करने की इजाजत नहीं दे रहे, मैंने कोशिश की थी, मैं गया था सर। हमें बिंदिया से पूछताछ करनी है। देखिए वो अभी आईसीयू में है, आप हमें परेशान मत करिए प्लीज। उस रात उस बंगले में क्या हुआ था इस रात से पर्दा बिंदिया ही उठा सकती है। मैं एक काम करता हूँ कि बिंदिया से पूछताछ के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजाम करता हूँ, तुम असलम को ट्रेस करो। ठीक है, बेस्ट विशेस सर। कहाँ चली मेरी रानी? अरे जब भी तू चली जाती है वो तो चक्कर सा आने लगता है, मेरा दिल जले जाती है। हट जा हराम के पिल्ले, आज तो फिर मुझे परेशान करने आ गया। तेरा पति तो फरार, आजा मेरे दिल में घर बसा ले। अपने घर का पता दे कमीने, मौत को तेरा एड्रेस देती हूँ, तभी मिलेगा मुझे तुझसे छुटकारा। जब भी तेरा मन करे खोली नंबर 84। कमीना। कहाँ है वो?
असलम, तू यहां क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों है? और जिस कमीने ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उसकी गर्दन तोहफे में चाहिए। ये ले। अरे, मेरी घरवाली को छेड़ता है? मेरी घरवाली को छेड़ने की सजा सिर्फ एक है, मौत। जा। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि जब विशाल ने अपनी पत्नी बिंदिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उन गुंडों को दिया था, तो उन गुंडों ने बिंदिया को क्यों नहीं मारा, उल्टा विशाल को ही मार दिया। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विशाल मर चुका था तो बिंदिया को मारने का मतलब क्या था? क्योंकि सुपारी के पैसे तो उन्हें मिलने वाले नहीं थे। फोरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बिंदिया के खून के निशान उस बंगले में नहीं मिले थे, बल्कि छत पर मिले थे जहां वो हमें जख्मी हालत में मिली थी। इसका मतलब वो अपनी जान बचाने के लिए भागी और इन तीनों लोगों ने उसका पीछा किया और मार दिया। कौन थे ये नकाबपोश जो तड़पा तड़पा के मार रहे थे? ठीक है सर, खबर आई है कि असलम का मर्डर हो गया। कहा? असलम मेरे असलम को। पूरे घर की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी सर। सर, इसकी बीवी का कहना है कि एक आदमी उसे छेड़ा करता था और उसने यहीं का एड्रेस दिया था, रूम नंबर 84, और ये असलम उसी छेड़खानी का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ इसे यहाँ बुलाया और मार दिया। एकदम चुप। कल तक असलम का ठिकाना ना पता होने का दावा कर रही थी। अगर उसका पता बता दिया होता तो आज वो सुरक्षित मेरे लॉकअप में होता। दो बेगुनाह लोगों के मर्डर में इन्वॉल्व था वो। अच्छा ये बता, वो कौन सा आदमी था जो तुझे छेड़ा करता था? साहब, एक हफ्ते पहले तक तो मैं उसे जानती भी नहीं थी, मुझे क्या पता वो कौन था। आपके मुखबिर से पूछिए। साहब, ये आदमी था। कौन हो सकता सर? जो भी था बहुत शातिर है, सारे गवाहों और सबूतों को एक एक करके मिटाता जा रहा है। सर, कहीं ये उन तीन नकाबपोशों में से तो कोई एक नहीं? हो भी सकता है। विशाल की लाश से जो कीमती घड़ी और सोने की चेन गायब थी उसका पता चला? सब जगह पता किया था, जहां ऐसी चीजें बेची जाती हैं हर जगह छापा मारा, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तेरा पति किस बिल में छुपा बैठा था आप बताएगी? जी साहब। यही दुकान है? यहां से ऊपर छुपा था साहब। खोल। सर,
ये मोबाइल मिला सर, सिम नहीं है सर। सर हो सकता है कि असलम ने विद्या को मारने की सुपारी इसी मोबाइल से दी है। इस फोन के IMEI नंबर से चेक करो जी। देखो ये फोन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर ये फोन तो किसी असलम नाम के आदमी का है। ये विद्या की कॉल डिटेल्स निकालना सर। हाँ अरे 25 चलो ठीक है 25 डन करते हैं। हाँ हेलो। हाँ कितना 12। अरे 12 में क्या चलो जब को उठा सारा सामान जब कर 12। अब बताओगे कि और दर्द सहना पसंद करो। साहब मैं बताता हूँ साहब। जयराम तुम्हें घड़ी बहुत पसंद थी, तुमने विशाल की घड़ी छीन ली, फिर तुम दोनों के बीच हाथापाई हुई और तुमने विशाल पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। साहब मौत उसके सर पर नाच रही थी साहब, लेकिन उसको अपने जान से ज्यादा घड़ी प्यारी थी। ए, रुक, रुक, रुक। चल घड़ी निकाल जल्दी। मैं घड़ी नहीं दूंगा। मैं ये जी तो लेकिन तुम और तुम्हारे साथी उस बंगले में किसी और मकसद से आए थे। हाँ साहब हम तीनों ने एक औरत को मारने का ठेका लिया था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हम सब पर खून का नशा छा गया। इसको तो मुफ्त में मारने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं तुम्हारी चौपर में कितनी धार है। तो लगी 5-5 की बैट, लेकिन इस गिरगिट को तुम एक ही बार में मारोगे। डील पक्की? पक्की। हमें पता था वो अमीरों का बंगला वीराने में है, जहाँ कितना भी शोरगुल हो कोई नहीं आएगा। जब विशाल तुम्हारे इस खेल में शहीद हो गया तो बिंदिया को मारने क्या जरूरत थी? साहब जब वो औरत अपनी पति को मार दी तो हम तो दंग रह गए साहब। विशाल 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 उठो विशाल, मैंने क्या कर दिया विशाल। अरे ये तो बेहोश हो गई, चलो रूम की तलाशी लो सब। फिर हमने सर दूसरे कमरे की तलाशी लेने लगे, शायद कुछ पैसे उसे कुछ मिल जाते। और जब हम सब तलाशी करके वापस आए तो वो औरत वहां से गायब हो गई थी साहब। ये लड़की कहाँ गायब हो गई? चलो ढूंढो ढूंढो जल्दी जल्दी ढूंढो उसको। साहब हमने बहुत ढूंढा मिली नहीं, फिर ढूंढते ढूंढते हम छत पे चले गए साहब, तो क्या देखा कि उस औरत की लाश वहीं पड़ी थी। उस रात वहां कोई और था साहब, जिसने उसका गेम बजा दिया था। सच कहता हूं साहब। अब ये कौन सा नया खेल खेल रहा है? सच ये है कि तुम तीनों ने अपने मनोरंजन के लिए बिंदिया को दौड़ाया। वैसे तो तुम्हें मिलने वाले थे नहीं, क्योंकि विशाल मर चुका था, इसलिए तुम लोगों ने बिंदिया को मार दिया। नहीं नहीं साहब, हमने उस औरत को नहीं मारा साहब, हमने उस चौकीदार की जान ली थी साहब। लेकिन साहब आपका अंदाजा गलत है साहब, उस औरत को हमने नहीं मारा। और ये भी जान लीजिए साहब कि उस रात की सुपारी उस अमीर लड़के ने नहीं दी थी हमें। ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ एविडेंस है हमारे पास कि विशाल अपनी बीवी को मारने के फिराक में था और वो वाया वाया उसने असलम को सुपारी दी। विशाल ने मुझे 20 लाख का ऑफर दिया था सर अपनी बीवी को मारने के लिए। मैंने मेरे पहचान के असलम भाई को ये सुपारी ट्रांसफर कर दी थी 1 लाख कमीशन की खातिर। ये सच है साहब कि उस अमीर जादे ने असलम भाई को सुपारी दी थी, लेकिन फिर उस लड़के का मन बदल गया था, उसने असलम भाई को फोन करके ठेका कैंसिल करा दिया साहब। अच्छा ये बता कि तुम तीनों में से असलम को किसने मारा? क्या असलम भाई का मर्डर हो गया? तेरे बाकी के दोनों साथी कहाँ हैं?
ये भी नहीं। मैं मुझे शालीमार फार्म हाउस मर्डर केस की फॉरेंसिक अपडेटेड रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसा खुलासा हुआ है कि तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा क्या है सर रिपोर्ट में? विशाल के पीठ पर जिस चाकू से वार हुआ है उस चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं वो बिंदिया के हैं। इसका मतलब खून बिंदिया ने किया है। क्या ये कैसे हो सकता है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है कि हमला सामने से कुल्हाड़ी से किया गया सर, और उसी वक्त दूसरा हमलावर ने पीठ पर चाकू भोंका है सर, और उस चाकू पर बिंदिया के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसका मतलब बिंदिया हमलावर को जानती थी। ये सब उसका रचाया हुआ खेल है। एविडेंस तो यही कहते हैं। तब तो हमें उसे तुरंत अरेस्ट करना होगा सर। अगर वो यहाँ पर आने की स्थिति में नहीं है तो उसे हॉस्पिटल में ही निगरानी में रखो, और ये बात का ध्यान रखा जाए कि नर्स और डॉक्टर के अलावा उसे कोई ना मिल पाए। यस सर। सर जी सर, ये सही है, मैंने ही विशाल का खून किया। तो बिंदिया कुमार और बिंदिया मिश्रा, आप ये कबूल करती हैं कि आपने अपने पति विशाल का खून किया? हाँ सर, इन्हीं हाथों से मैंने विशाल की जान ली है। लेकिन सर ये बात भी सच है कि मैं खूनी नहीं हूँ। आप ये बताइए कि आपका विदेश जाने का प्लान था हनीमून के लिए, तो शालीमार फार्म हाउस कैसे पहुंची? सर हमारी फॉरेन ट्रिप कैंसिल हो गई। 22 नवंबर की सुबह विशाल मुझे कॉफी हाउस में अकेले छोड़कर चले गए थे और कई घंटों तक वापस नहीं आए। फिर मैं अपने कमरे में चली गई, बहुत गुस्से में थी। हाय। अरे तुम्हारे लिए। हमें नहीं चाहिए, हमारी शादी की पहली सुबह है और तुम 10 मिनट बोलकर कॉफी शॉप से गायब हो और अब आ रहे हो। अरे स्वीटहार्ट, तुम्हारी खुशियों का इंतजाम करने गया था सच्ची। बस बस बहाने मत मारो अब। अरे यार सच कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है ना अरविंद, उसका शहर के बाहर एक बंगला है, आ जाता हम वहीं ठहरेंगे। अरे उसने स्पेशल शैंपेन और खाने का बंदोबस्त किया तुम्हारे लिए, हनीमून का सरप्राइज पैकेज है। हाँ और कल तक हमारे फॉरेन हनीमून ट्रिप का भी इंतजाम हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है सर, मुझे वीराना पसंद नहीं है, लेकिन विशाल इतना एक्साइटेड थे कि मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाई। मुझे क्या पता था कि वो हनीमून की रात मेरी जिंदगी में इतनी दहशत लेकर आएगी। ये कैसी आवाज है? मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू कहीं मत जाओ विशाल, प्लीज कहीं मत जाओ प्लीज। देखना होगा ना। ये यहां से घुसने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग उस समय दरवाजे से चलते हैं। चलो चलो। तुम एक काम करो बंदिया, तुम जाकर ऊपर वाले कमरे में छुप जाओ और ये चाकू अपने पास रखो, मैं उनका ध्यान मिटाने की कोशिश करता हूँ। नहीं मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बंदिया पागल मत बनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर हम एक साथ रहे ना तो मौत निश्चित है। हाँ अलग अलग रहेंगे तो एक दूसरे के काम आ सकते हैं, मेरी बात मानो, रुक जाओ। हाँ जाओ तुम।
रानी कहाँ छुपी हो? लोरी सुनाने का टाइम आ गया है। तेरा पति तो मर चुका है, अब तेरी बारी है। गुड़िया रानी कहाँ हो तुम? बिंदिया, आप हमें बंगले की छत पर जख्मी हालत में मिली, आप वहां तक कैसे पहुंची? सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, तो मुझे बस इतना याद है कि अनजाने में मेरे हाथों में पति का खून हो गया। सर मुझसे एक गलती हुई है, मैं कौन के पीछे दौड़ता गया और क्यों को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब ये अहम सवाल उठता है कि विशाल ने अपनी नई नवेली दुल्हन को हनीमून की रात क्यों मारना चाहा, और फिर क्यों उसने अपना मन बदला, और फिर क्यों किसी और ने बिंदिया को अपने रास्ते से हटाना चाहा? मुझे अब ये लव अफेयर का मामला लग रहा है सर। कोई था जो विशाल की शादी से नाखुश था और बिंदिया को रास्ते से हटाना चाहता था। सर ये भी हो सकता है कि बिंदिया के जीवन में कोई रहा और बिंदिया ने विशाल को चुना, उसी का बदला लिया हो उसने। गुड पॉइंट अविनाश, इस फ्रेश एंगल पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। और वैसे भी क्राइम डेटा के अनुसार प्रेम प्रसंग ही क्राइम का सबसे बड़ा रीजन होता है। सर क्या है तुम्हारा? मुझे दुख हुआ विशाल का सुनके। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आइंदा मुझे तंग मत करना। वेट वेट बिंदिया, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। और अब तो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं है। जयदीप मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, आइंदा मुझे फोन मत करना। हमने छानबीन की और हमें पता चला कि आपकी जिंदगी में कोई और भी है। सर है नहीं था, जयदीप मेरा बचपन का दोस्त। लेकिन कल रात भी तो आपने उससे फोन पर बातें की। सर मैंने नहीं किया था, उसने मुझे फोन किया था। वो फिर से मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। वो तो मैं प्यार करता है और उसे तुम्हारी शादी बर्दाश्त नहीं हुई। कहीं इसीलिए तो नहीं बदला लेने के लिए उसने तुम्हारे पति और तुम्हारा मर्डर का प्लान बनाया? सर मुझे नहीं पता, मुझे तो पापा से पता चला है कि आपके इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है विशाल ने ही मुझे मारने की साजिश की थी। सब मेरा तो अब ये प्यार
ये शादी सबसे भरोसा उठ गया। सर जयदीप के बैकग्राउंड के बारे में सब पता किया सर, कोई भी संदेहजनक बात नहीं है सिवाय विद्या के फोन कॉल्स के अलावा। लेकिन सर ये विशाल के डेली रूटीन के बारे में चेक किया तो कोई लड़की का चक्कर है। लड़की नहीं सर, लड़का है। हाय हैंसम, मुझे पता था तुम लोग आओगे। तुम जहां बोलोगे मैं चलने को तैयार हूं। ए, सिगरेट पीना अलाउड नहीं इधर। ओ रियली? तो क्या करोगे स्वीटू, अरेस्ट करोगे? अब बात तो साफ है कि विशाल बिंदिया को क्यों मारना चाहता था। क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। He loved me. पर परिवार के दबाव में आकर उसने अपने घुटने टेक दिए। I'm sorry सनी, मुझे शादी करनी होगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और शादी से एक हफ्ते पहले उसने मुझसे रिलेशनशिप तोड़ दिया और शादी के नेक्स्ट दिन ही वो मेरे पास सरप्राइज विजिट के लिए आया। मुझे नहीं जीना है। नहीं जीने तुम्हारे बिना सनी। मैंने बिंदिया को हमारे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया है। और कुछ देर बाद वो फिर से मेरे पास आया। मैंने बिंदिया की सुपारी कैंसिल कर दी है। लेकिन क्यों? वो एक अच्छी लड़की है और मैं ये सब करके अपने परिवार को नाराज नहीं कर सकता। पिताजी तो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। आई एम सॉरी सनी, मैं अभी आया। फिर जब वो बाथरूम गया मैंने उसका फोन अनलॉक किया। उसके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैंने असलम का नंबर निकाला और फिर विशाल के ही फोन से मैंने असलम को वीआईपी रोड पर मिलने के लिए बुलाया। हेलो, हाँ तो मुझे वीआईपी रोड पर मिलो। फिर मैं असलम से मिला, उसे पैसे का लालच देकर बिंदिया के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा जारी किया। असलम, मैं तुम्हें दुगने पैसे दे रहा हूँ, उस बिंदिया को मार दो, काम हो जाएगा। मैं बिंदिया को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता था और इसीलिए उस रात उस फार्म हाउस पे मैं भी मौजूद था। विशाल, विशाल, विशाल। मेरे विशाल को मारा? मैं तुझे? तू छोड़ूंगा नहीं मैं। उसके खून को मैंने अपने हाथों में सजा दिया। असलम को क्यों मारा? वो मेरे इंतकाम की सबसे कमजोर कड़ी था क्योंकि वो मेरी शक्ल पहचानता था। तुम्हें असलम की बीवी को छेड़ना है, बाकी मैं देख लूंगा, काम हो जाएगा। मैंने हड्डी गली में फेंक दी और कुत्ता खुद ब खुद बाहर आ गया। हड्डी की लाश आपको खुरेशी नगर के कचरे के ढेर के पास मिल जाएगी। प्यार करना जुर्म नहीं है, लेकिन प्यार में इस तरह से पागल हो जाना, इसके लिए जितनी भी सजा दी जाए कम है। प्रमोद,
ले जाओ इसको। विशाल किसी और से प्यार करता था, फिर भी उसने बिंदिया से शादी कर ली और अपने परिवार से सच छुपाया, क्योंकि उसे अपनी विरासत खोने का डर था और अपने स्वार्थ के लिए उसने बिंदिया को अपने हनीमून के दौरान मारना चाहा। जब विशाल ने अपना मन बदला तो उसके प्रेमी सनी ने खुदगर्ज होकर बिंदिया को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची। अपनी खुशी के लिए किसी और का बलिदान, किसी और की हत्या, ये सोच कानून के तराजू में गलत होने के साथ साथ इंसानियत और समाज की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। याद रखिए, कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स देश भर में आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद। तू सावधान, तू सावधान इंडिया।